आगे से ये एंगल आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा पुश्ता चिनाई करके कंप्लीट हो गया है। जितने भी एंगल हमने यहाँ पे सेट किए थे तो सभी एंगलों में यहाँ पे प्राइमर लगाने का काम थोड़ा सा दो चार सीओ बोलते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर ये खेत। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं और अभी गया हूँ मैं मदद में हल लगाने के लिए, और हल लगाने का आज हमारा 26वां दिन है यहाँ पे अवतार सिंह जी का। आज हम हल लगा रहे हैं, तो अभी तक मैंने आधा खेत लगा दिया है और अब अवतार सिंह मदद दे रहे हैं। 26वां दिन में हम अवतार सिंह जी के खेत में गेहूँ की बुआई कर रहे हैं, और एक खेत और भी लगाना है उनका आज, और उसके बाद फिर अपनी सेकेंड ड्यूटी पर भी जाना है। खेत में हल लगाना थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा दो चार सीओ बोलते हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर ये खेत लग जाएगा, और उसके बाद फिर हमें ऊपर जाना है। यहाँ आगे एक और खेत है अवतार सिंह जी का। दोस्तों अब अपने रुद्रलोक होम स्टे में पहुँचने के बाद मेरी सेकेंड ड्यूटी यहाँ पे शुरू हो जाती है। जो हमने परसों एंगल सेट किए थे आज उनमें मैं प्राइमर करूँगा, क्योंकि प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है एंगलों पर ताकि उनकी लॉन्ग लाइफ अच्छी बरकरार रहे। यह है मेरे पास ब्रिटिश पेंट का प्राइमर, और ये है ब्रश, ये है थिनर, और जितने भी एंगल हमने सेट किए हैं उनमें प्राइमर लगाने का काम होगा। जितने भी एंगल हमने यहाँ पे सेट किए थे सभी एंगलों में प्राइमर लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। जितने भी एंगल हमने यहाँ पे सेट किए थे सभी एंगलों में यहाँ पे प्राइमर लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। आगे तक दोस्तों प्राइमर लगाने का यहाँ पे काम हो गया है, और अब नेक्स्ट काम है यहाँ पे पुश्ता रखने का। तो मिस्त्री जी भी पहुँच गए हैं और लगातार हम लगे हुए हैं यहाँ पे मिट्टी का खुदान करने पे, और जितने भी पत्थर यहाँ पे मिलेंगे तो उससे हम पुश्ता निर्माण का कार्य करेंगे। हमारे मिस्त्री जी भी पहुँच गए हैं, जगदीश चाचा जी और रघु चाचा। यहाँ पे ये पुश्ता क्लियर करना है, तभी आगे से ऊपर से एंगलों का एक अच्छा सिस्टम यहाँ पे बन पाएगा। तो ये एंगल है और यहाँ से फिर पुश्ता ये डाउन हो रखा है, तो पहले हम इस पुश्ते को दो दो फीट ऊपर चढ़ाएंगे, और उसके बाद तभी इसमें एंगल गाड़ेंगे।
लंच के बाद अब ड्यूटी शुरू। यहाँ पर फिर पत्थर निकालने का काम होगा और जब तक महिलाएं आती हैं तब तक मैं यहाँ पे पत्थर निकाल दूंगा। आज थे मेरे साथ रिंकी शैली और नलक्ष्मी देवी जी बैठे। क्या पूरा निकाली नया तो दोस्तों आज हमारा पुश्ता चिनाई करके कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आज हमारे ये पुश्ता भी चिनाई करके कंप्लीट हुआ। अब जो हम चैनलिंग फेंसिंग यहाँ पे लगा रहे हैं तो इंगलों को यहाँ पे टिकाने के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आगे से ये इंगल आ रहे हैं तो अब पुश्ता ऊपर चढ़ गया है और अब एक इंगल यहाँ पे लगेगा और उसके बाद दूसरा एंगल यहाँ पे लगेगा और तीसरा एंगल यहाँ पे लगेगा और उसके बाद फिर यहाँ से भी नीचे नीचे हम एक पत्थरों की दीवार लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे एंगल चलते जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बगीचे के लिए एक घेरबाड़ बन जाएगी। दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और आज के काम की छुट्टी करते हैं। आज सुबह से और शाम तक मैंने जो काम किए तो सबसे पहले सुबह मदद में 2 खेत में गेहूँ बोए और उसके बाद फिर अपने काम पे रुद्रलोक होम स्टे में आया और यहाँ पे अपने नए बगीचे में जो हमारी चैनलिंग फेंसिंग लग रही है तो उसके लिए यहाँ पे पुस्तर निर्माण का कार्य करवाया और आगे पत्थरों का सरान किया। तो यही काम करके आज का दिन मेरा यहाँ पे व्यतीत हुआ है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।